मुफ्ती का विरोध नूपुर शर्मा को पड़ा भारी। एक मुफ्ती के विरोध से झुक गई बीजेपी सरकार। कौन है वो मौलवी जिनकी वजह से नूपुर शर्मा बर्खास्त? इन दिनों हेट स्पीच का मुद्दा जोरों शोरों से देश में हलचल मचाए हुए है। बड़ी बात यह है कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, खासकर अरब देशों पर। बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो तीखी टिप्पणी की, उसके बाद से देश को, केंद्र पर बैठी बीजेपी को दुनिया भर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो भी तब जब बीजेपी नूपुर शर्मा के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नामी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे बीजेपी के एक प्रवक्ता की कही गई बात दुनिया तक पहुंच गई और अरब देशों को तो बहुत ज्यादा चुभ गई? पहले भी तो बीजेपी और कई विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस तरह की तीखी टिप्पणी की ही होगी, लेकिन इस बार ही क्यों इतना हंगामा बरपा है? दरअसल इसके पीछे इस सब की वजह है एक मौलवी साहब, ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली। इन्होंने ही बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को सुनने के बाद बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस्लाम के दूत के खिलाफ ढीठ और अश्लील टिप्पणी की है। ये एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में उठना चाहिए। अल खलीली के इसी बयान के बाद अरब देशों में भारत का विरोध देखने को मिला। ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान समेत कई देशों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता के बयानों पर एतराज जताते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नूपुर शर्मा और दिल्ली मीडिया प्रभारी रहे नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और फिर बीजेपी ने सफाई भी दी कि पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हजारों साल के इतिहास में भारत में कई धर्म फूले फले हैं। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी किसी भी धर्म के अपमान की कड़ी निंदा करती है। आजादी के 75वें साल पर हम भारत को एक महान देश बनाने में लगे हैं, जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ रह सके। बीजेपी इस तरह के किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। ओमान में भारतीय दूतावास ने भी इस बयान को रिट्वीट किया। लेकिन तब तक ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली के बयान का इतना व्यापक असर हो चुका था कि दुनिया में हर तरफ से बीजेपी के खिलाफ आवाजें मुखर हो रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली है कौन, जिनकी बात का दुनिया भर के मुसलमानों पर ऐसा असर देखने को मिल रहा है? कौन है ओमान के ग्रैंड मुफ्ती? ओमान के ग्रैंड मुफ्ती अहमद अल खलीली 79 साल के हैं। वो इस्लामिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन संभालने पर बधाई देते हुए उसे जीत बताया था। ओमान में शराब बैन करने की भी वो सरकार से मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्रैंड मुफ्ती को पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। वो नियमित तौर पर इस्लाम से जुड़े सवालों का जवाब टीवी पर देते रहते हैं। ओमान में शराब बैन करने की भी वो सरकार से मांग कर चुके हैं। स्वीडन में कुरान को जलाने और तालिबान को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। कुरान जलाने को लेकर उन्होंने कहा था कि कुरान जलाने से सिर्फ किताब के अक्षर खत्म होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई खत्म नहीं होगी। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन संभालने पर बधाई देते हुए उसे उन्होंने जीत बताया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था, हम स्पष्ट जीत और हमलावर आक्रमणकारियों की शानदार जीत के लिए अफगानिस्तान के मुस्लिम भाईचारे को बधाई देते हैं। उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान भी मिल चुका है। इसके अलावा निशाने इम्तियाज सम्मान से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। यही है ओमान के ग्रैंड मुफ्ती, जिनके कहे का असर दुनिया भर के मुसलमानों पर देखने को मिला है। बीजेपी के खिलाफ दुनिया भर से आवाज बुलंद की गई सिर्फ एक आह्वान पर। आपको बता दें, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा एक निजी टीवी चैनल के एक पैनल में शामिल हुई थी, जिसमें ज्ञानवापी को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान जब नूपुर शर्मा ने अपनी बात रखी तो उसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो दुनिया भर के मुसलमानों को नागवार गुजर गया और उन पर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उठती आवाज को और बुलंद कर दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, नूपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई सही है या गलत? और फिर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? उनके बारे में दी गई जानकारी के बाद आप उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।